हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो एक्सरसाइज हो गई है और एक्सरसाइज के बाद हमारे 3-4 डॉगी से मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। बिस्कुट खिलाता हूँ मैं उनको अब डेली, तो बिस्कुट ले लिए हैं, चलते हैं बिस्कुट खिलाते हैं उनको। आजा आजा, जैसे ही बिस्कुट लेके आता हूँ सारे आ जाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। इसको पसंद नहीं आया भाई, पन्नी डस्टबिन में डालेंगे। उस दिन डाले बड़े कमेंट आए, इसको पसंद नहीं आया बिस्कुट। क्रीम वाले खा लेगा, क्रीम वाले खाएगा वो। अरे खा ले बेटा, वो खा जाएंगे तुम्हारे भैया। क्रीम वाले क्रीम इसको हाथ से खिला, हाथ से खाएगा, हाथ से खाएगा। अरे वाह क्या बात है, लाड प्यार चाहिए। मैंने अपने आप को भी कभी हाथ से खाना नहीं खिलाया, कभी हल्के में ले रहा हूं। हाथ से खाएगा भाई साहब, देखा पहला हाथ से खाया उसको। आले बेटा आराम से हैं, कम किसके पास है, इसकी स्पीड तेज है। पन्नी डस्टबिन में लाइन से खा रहे हैं, वेरी गुड, हैप्पी नवरात्रा। जो चीज़ हमको नहीं आती कमेंट्स आप लोग कर देते हो तो हम लोग सीख जाते हैं। हमसे जो गलतियां होती हैं आप लोग कमेंट करके हमें सिखा देते हो, धन्यवाद। तो ऐसे ही कमेंट करते रहें और सिखाते रहें और सिखाते रहें। कैसा लगा, बड़ा प्यार करते हैं मेरे को, आओ इधर। तो गाइज एक्सरसाइज वगैरह करके हम घर पे आ चुके हैं और आज है नवरात्रि। सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि आप सभी को, और आज पहला दिन है नवरात्रि का। और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए, मतलब सामान वामान लेने के लिए, उसके बाद घर आके करेंगे पूजा है। और आज देखो कैसी लग रही है, इधर आओ, साड़ी साड़ी पहन रखी है मैडम जी ने, स्मार्ट लग रही है छिंदूर। आज नेल पॉलिश वगैरह सब कुछ लगा रही है, वैसे तो डेली लगा रही है लेकिन आज दिखा रहा हूँ मैं। और आज स्वाति ने सुबह रेड रेड मावर भी लगाऊंगी, आज सुहाग है ना, सुहाग। आज स्वाति ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, जब तक पूजा नहीं होती जब तक हमारे यहाँ कुछ भी नहीं खाते। मैंने तो थोड़ा सा, मैं एक्सरसाइज करके आया था तो खाना जरूरी होता है, तो मैंने पनीर खा लिया था, थोड़ा डाइट का ले लिया, लेकिन स्वाति ने कुछ नहीं खाया। क्या कह रही, पायल पहना दो ना। मैं पहनाऊं तुम्हें पायल, प्लीज ना, बदतमीज लड़की, क्यों बदतमीज लड़की, चलो पहना तो पहना तो पहना तो, मेरी बहू है आज, अच्छी लग रही है। आपने कमर बंद पहन ली है? मैं क्यों पहनूं कमर बंद, क्यों लड़ बच्चे छोटे में पहनते हैं ना, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे कमर बंद पहनने लाए। अरे वो वाली भी तो आती है कपड़े की, एक बच्चे वाली आती है काली काली, कपड़े की पहनूंगा मैं, कपड़े की कमर बंद पहनूंगा मैं, बच्चे पहनते हैं, मम्मी ने पहनाई होगी आपको, पापा मम्मी ने बेल्टे बहुत पहनाई है, मैं मार मार के भी कितने गंदे हो भाई, पापा कितने अच्छे हो आप ऐसे बोल रहे हो। अरे बचपन में हम शरारत करते थे ना, मैं अपने बच्चों को भी बेल्टे पहनाऊंगा, नहीं लेकिन होए तो सही, कब बाबू आपको ना सीख लो ये सब काम, आने वाले टाइम पे ना ऐसा होगा कि अब बच्चों को भी तैयार करना होगा, मैं भी तैयार होंगी तो आपको फिर हाथ बटाना होगा। वो टाइम कब आएगा, आपको हाथ बटाना होगा या मुझे तैयार करना होगा या बच्चे को, कैसे करोगे आपकी चॉइस होगी। मैं तो अपने बच्चे को तैयार करूंगा। तो वो किसका बच्चा होगा, पहनाने दो ज्यादा, वो नहीं तोचाबाजी नहीं, इधर देखो। अरे दूसरा पैर दियो यार, अच्छे से प्यार से बनाओ ना प्यार। मैं डेली पायल नहीं पहन पाती क्योंकि जिम जाना पड़ता है और शूज पहनने पड़ते हैं, शूज में बहुत छिपती है पायल, इसलिए मैं आज पहनती हूँ क्योंकि आज नवरात्रि है और माता रानी का दिन होता है तो पूरा श्रृंगार करना चाहिए। हाँ तो जल्दी चलो, जल्दी श्रृंगार करो, शॉपिंग करने चलना है। स्मार्ट लग रही है यार आज, मेरी बहू है। तो बहुत दिनों बाद हम लोग स्कूटी पे जा रहे हैं सामान लेने के लिए, क्योंकि पुराने दिन भूल गए थे, हमने कहा आज स्कूटी पे चलते हैं, मार्केट में गाड़ी मोड़ने में दिक्कत होती है, तो स्कूटी पे जा रहे हैं सामान लेने। बैठो बैठो, वाइफ मेरी बहू। स्वाति
सारा सामान ले लेना है। तो स्वाति सफाई कर रही है और मैं सजावट कर रहा हूँ। ये देखिए कैसे अच्छे से सजावट हो रही है। जब पूरी सजावट हो जाएगी फिर मिलते हैं आपसे। मेरी बाबू लगा रही है मुहावर। कितने सुंदर सुंदर पैर हो गए, अच्छी लग रही है यार। आज बार बार मेरा दिल पता है क्या कर रहा है, क्या कहने को कर रहा है। मेरी बाबू तो हमने ये सजावट की है। अरे देखिए छोटी सी सजावट है और ये अभी बस पूजा होनी बाकी है। पूजा करो स्वाति जल्दी से। हाँ। विरत है आज बिचारी, वैसी सुखड़ सी है। भगवान श्री विष्णु के नेत्र मुख नासिक प्रभु हृदय और बच्च स्थल से निकल श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। तो गाइस शाम के 4:30 हो गए। तो 4:30 बज चुके हैं और लगभग लगभग आधा व्रत पूरा हो चुका है। फ्रूट खाए थे स्वाति ने पूजा करने के बाद, उसके बाद थोड़ा देर सो गई थी स्वाति। और अब बनाई है स्वाति ने साबूदाना की खीर। कैसी है? बहुत अच्छी, मैंने बनाई ना। तुम यार हमेशा अच्छा बनाती है, विश्वास नहीं हो रहा ना तुम्हें? मुझे पता था। देख लो जब मैं इसकी तारीफ करता हूँ तो इसको विश्वास नहीं होता, और जब मैं कहता हूँ ना क्या बना दिया तो गुस्सा होती है। क्या करें अब इसका बताओ। तो आज भी रहता है तो इसलिए मैंने तारीफ कर दी, नहीं तो है तो कैसा वो मुझे भी पता है, आपको भी पता होगा। खा लो चम्मच चखा। तो सॉरी तुम्हारा व्रत है ना, मैंने व्रत नहीं रखा, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने नहीं खाया। खाओ साबूदाना की खीर। कौन कौन खाता है व्रत में? हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी संडे आप सभी को। कैसे हो आप सब? तो कल रात को एडिट नहीं कर पाया था, नींद आ गई थी जल्दी, क्योंकि सोमवार से सैटरडे तक बहुत जिम करते हैं तो थक जाते हैं। संडे ही एक मिलता है रेस्ट करने के लिए, और संडे को भी मैच खेलने चले जाते हैं। अभी नींद से आ रही है, अभी सो के उठाऊँ नहा धो लिया, अभी पहले मैच खेलने जाऊँगा उसके बाद आके सोऊंगा पूरे दिन संडे को। आज का ये प्रोग्राम है बस, और बस आज का यही ब्लॉग है, छोटा है लेकिन बढ़िया है, मज़ेदार है। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। और मंडे को मेरा कहीं पे जाने का प्रोग्राम है, इस ब्लॉग को देख के आप मंडे को आइए मेरे पास, फिर मिलते हैं। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।